बच्चों ये है हमारा लेक्चर टू फिफ्टी एट और हम कर रहे हैं आपकी साइंस की एनसीईआरटी में से फिजिक्स का एक चैप्टर जिसका नाम है ग्रेविटेशन सो दिस चैप्टर टेन इन योर साइंस एनसीईआरटी टी ये है पेज वन थर्टी वन पे सो ग्रेविटेशन के बारे में पूरा चैप्टर है एंड आई होप आपको ये पूरा चैप्टर इजी ही लगेगा दिस इज नॉट दैट मच टफ सो आपने ऑलरेडी चैप्टर एट चैप्टर नाइन किया हुआ है सो so उसमें आपने ऑलरेडी मोशन के बारे में पढ़ा है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड फोर्स एज द कॉज ऑफ मोशन सो आपने पढ़ा था कि भाई मोशन uh, का कॉज क्या होता है मोशन किन की वजह से होता है फोर्स की वजह से होता है सो so आपने पढ़ा कि भाई फोर्स इज नीडेड टू चेंज द स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट भाई फोर्स चाहिए होता है अगर आप किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज करना चाहो उसका डायरेक्शन बदलना चाहो तो क्या चाहिए होता है फोर्स

इन ऑल दीज केसेस सो ऑल प्लानिट्स द ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम आई हाइट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ ऑल प्लानिट्स गो अराउंड द सन ठीक है सो जो मून है वो मून जो है अर्थ किर्गिर्द चक्कर काटता है मून गोज अराउंड द अर्थ इन ऑल दीज केसेस देअर मस्ट भी सम फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट सो इन सब केसेस में कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा ऑब्जेक्ट्स पे द प्लानिट्स एंड द मून सो फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट्स द प्लानिट्स एंड ऑन द मून सो सर इसे न्यूटन थे उन्होंने ये बताया कि यही फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है इन सब के लिए जो उसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स अच्छा ये किसने बताया इसेक न्यूटन ने इसेक न्यूटन ने क्या बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर हाइट से गिरता है वो नीचे जमीन पे ही आके पड़ता है जो प्लानट्स हैं वो सन के इर्द गिर्द चक्कर काटते हैं और मून है वो अर्थ के इर्द गिर्द चक्कर काटता है और जो देयर मस्ट बी फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स पे फोर्स लगता है प्लैनेट्स एंड द प्लैनेट्स और, और मून पे भी फोर्स लगता है ठीक है सो so ये सब इसे न्यूटन ने बताया ठीक है सर इसेक न्यूटन ने क्या क्या बताया फिर से देखें फोर्स चाहिए होता है कि आ, स्पीड बदलने के लिए ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ऑफ मोशन बदलने के लिए और सारे प्लानिट्स सन के इर्दगे चक्कर काटते हैं मून है वो भी अर्थ के इर्दगे चक्कर काटता है और जो प्लानिट्स हैं मून है वो आ, उनके उनके बीच भी यही फोर्स होता है ठीक है आप ये सब जियोग्राफी में पढ़ते हो कि भाई आ, सारे प्लानिट्स सन के इर्द गिर्द चक्कर काटते हैं मून अर्थ के इर्द गिर्द चक्कर काटता है सो so, ये जो सब एक दूसरे के इर्द गिर्द चक्कर काटते जो रोटेशन है फोर्स है सो so, इन्होंने बताया इसे न्यूटन ने बताया ये सब फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स हैं ठीक है सो so, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ये ग्रेविटेशन क्या है और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है सो so, हम डिस्कस uh, करेंगे ऑब्जेक्ट्स का मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स ऑन द अर्थ इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट किस तरह से मोशन करते हैं अगर उनपे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है अर्थ का सो so, किस तरह से ऑब्जेक्ट्स इन्फ्लुएंस uh, होते हैं सो so, हम स्टडी करेंगे कि कैसे वेट ऑफ बॉडी वेरी होता है प्लेस टू प्लेस एक जगह से दूसरी जगह वेट ऑफ बॉडी कैसे वेरी होता है हम डिस्कस uh, करेंगे कि uh, किस तरह से ऑब्जेक्ट्स लिक्विड्स में फ्लोट करते हैं तो ये वाला टॉपिक है इस बार ही आपके जो ये कोरोना टाइम है इसमें ये ये वाला टॉपिक कैंसिल है सो so, इसमें खासे टॉपिक्स कैंसिल हैं इस चैप्टर में इस बार आपका दिस इज द कोर्स सो ग्रेविटेशन में आपको ये ग्रेविटेशन टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है एसलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास एंड वेट फ्री फॉल इसके बाद वाला टॉपिक कैंसिल है मतलब इस चैप्टर के अंदर जो आपके लास्ट ये है आपका पेज वन थर्टी वन ये है वन थर्टी टू वन थर्टी थ्री वन थर्टी फोर है वन थर्टी फाइव वन थर्टी सिक्स है वन थर्टी सेवन भी है अच्छा यहाँ से सब कैंसिल है आपका वन थर्टी एट से ये वाला टॉपिक थ्रस्ट एंड प्रेशर कैंसिल है फिर यहाँ से सारा आपका कैंसिल है ठीक है सो ये प्रेशर एंड फ्लूड्स भी आपका कैंसिल है टॉपिक फिर ये बायस कैंसिल है ठीक है इस बार ये सब कैंसिल है आरके मेडिस प्रिंसिपल भी कैंसिल है और ये रिलेटिव डेंसिटी भी कैंसिल है ठीक है सो ये सारे टॉपिक्स आपके कैंसिल हैं, ठीक है थीके? सो आ, कोरोना के कारण मतलब ये जो कोविड 19 का ईयर है इसके कारण ऑलमोस्ट आधा चैप्टर आपका कैंसिल है ठीक है सो फाइनली हम आ, चालू मतलब कंटिन्यू कर रहे हैं पेज वन थर्टी वन पे ग्रेविटेशन ठीक है जो जो जिसका तो, चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन सो so, आपको पता है कि जो मून है वो अर्थ के आजू बाजू चक्कर लगाता है मून गोज अराउंड द अर्थ द मून गोज अराउंड द अर्थ एंड ऑब्जेक्ट वेन थ्रोन अपवर्ड्स रीचेज द सर्टेन हाइट एंड देन फॉल्स डाउनवर्ड्स एक ऑब्जेक्ट है जब हम उसको ऊपर की तरफ फेंकते हैं ठीक है थीके? किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप ऊपर की तरफ फेंकते हो तो एक हाइट पे जाने के बाद वो नीचे आके गिरता है ठीक है एन ऑब्जेक्ट वेन थ्रोन अपवर्ड्स अपवर्ड रीचिसन हाइट एंड देन फॉल्स डाउनवर्ड्स नीचे आके गिरता है इट इज सेड दैट वेन न्यूटन सिटिंग अंडर अ ट्री एंड एप्पल फेल ऑन हिम ये कहा जाता है कि जब न्यूटन एक ट्री के नीचे बैठा था सो तो उस पे एप्पल गिरा था द फॉल ऑफ द एप्पल में न्यूटन स्टार्ट थिंकिंग ही थॉट दैट अर्थ कैन अट्रैक्ट एन एप्पल कैन इन नॉट अट्रैक्ट द मून सोचा गया न्यूटन ने कि ये जो अर्थ है अर्थ अगर एप्पल को अट्रैक्ट कर सकती है अर्थ अगर एप्पल को अट्रैक्ट कर रही है तो अर्थ मून को अट्रैक्ट नहीं करती होगी वो न्यूटन ऐसा सोचता है कि अर्थ अगर एप्पल को अट्रैक्ट करता है तो वो मून को अट्रैक्ट नहीं करता होगा इज द फोर्स द सेम इन बोथ केसेस क्या दोनों केसेस में फोर्स सेम ही लगेगा ही कंजेक्टेड दैट द सेम टाइप ऑफ फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल इन बोथ द केसेस तो उसने क्या बोला उसने कहा कि भाई दोनों तरह का फोर्स लगता है ही कंजेक्टर दैट सेम टाइप ऑफ फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल इन बोथ द केसेस दोनों केसेस में एक ही तरह का फोर्स लगता है ही आर्ग्यूड दैट ईट दैट एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स ऑर्बिट द मून फॉल्स टूवर्ड्स द अर्थ उसने क्या आर्ग्यू किया कि हर पॉइंट पे ऑर्बिट के हर पॉइंट पे जो मून है वो अर्थ की तरफ गिरता है इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑफ इन अ स्ट्रेट लाइन सो इट मस्ट बी अट्रैक्टेड बाय द अर्थ तो वो मतलब अर्थ उसे अट्रैक्ट करेगा बट वी डू नॉट रियली सी द मून फॉलिंग टूवर्ड्स द अर्थ पर अर्थ मून गिरता थोड़ी अर्थ पर ठीक है so, सो क्या बोला न्यूटन ने न्यूटन न्यूटन जब खड़ा था ट्री के नीचे तो एप्पल गिरा बैठा था सो so, उसने सोचा कि भाई अर्थ अट्रैक्ट करता है एप्पल को तो अर्थ मून को नहीं करता होगा फिर उसके दिमाग में सवाल आते हैं क्या जो अर्थ जो एप्पल पे फोर्स डालती है क्या वही फोर्स वो आ, मून पे भी डालती है उसने सोचा इस फोर्स सेम इन बोथ केसेस क्या दोनों केसेस में फोर्स एक ही लगता है तो उसने क्या उसने क्या सोचा कि दो सेम फोर्स लगता है दोनों में ही आर्ग्यू द्वार इट्स ऑर्बिट मतलब अर्थ के एक एक पॉइंट पे द मून फॉल्स टूवर्ड्स द अर्थ मून कहा गिरता है अर्थ पे अर्थ की तरफ गिरता है सो so, उसने आर्ग्यू किया कि हर पॉइंट पे मून गिरता है अर्थ की तरफ इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑफ इन अ स्ट्रेट लाइन सो स्ट्रेट लाइन पे जाने की बजाय ठीक है स्ट्रेट लाइन पे जाने की बजाय आर्ग्यू दैट ईच पॉइंट ऑफ इट्स ऑर्बिट मतलब इसके ऑर्बिट का एक एक पॉइंट मून मून फॉल्स टूवर्ड्स द अर्थ ठीक है मून अर्थ पे गिरता है इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑफ इन अ स्ट्रेट लाइन गिरता नहीं है अट्रैक्ट होता है ठीक है वो स्ट्रेट जाने की जगह अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता रहता है सो इट मस्ट बी अट्रैक्टेड बाय द अर्थ सो ऑब्वियसली अट्रैक्शन है अर्थ का मून से बट वी डू नॉट रियली सी द मून फॉलिंग पर आपने कभी मून को गिरते थोड़ा नहीं देखा है सो so ये क्या है मून गिरता नहीं है मून पे फोर्स लगता है अर्थ का सो so, अब हम मून को समझेंगे मून का मोशन समझेंगे अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मोशन ऑफ मून बाय रिकॉलिंग एक्टिविटी एट पॉइंट वन वन सो बच्चों यहां एक एक्टिविटी दी गई है इस एक्टिविटी में क्या करना है एक थ्रेड का पीस मतलब एक थ्रेड लेनी है धागा लेना है और उस एक साइड से स्टोन बांध देना है सो so, बाकी जो दूसरा सिरा है थ्रेड का वो पकड़ के आपको गोल गोल वर्ल करना है वर्ल मतलब गोल गोल घुमाना है फिर आपको देखना है कि स्टोन का मोशन कैसा है मतलब स्टोन किस तरह से मोशन करता है फिर आपको थ्रेड फेंक देनी है रिलीज कर देनी है अगेन नोट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द स्टोन फिर से आपको ये डायरेक्शन ऑफ मोशन देखना है ठीक है सो ये जो स्टोन है ये आपने दोरी बांधी हुई है जो स्टोन है स्टोन सर्कुलर पाथ दिखाता है सर्कुलर पाथ मतलब इस तरह से सर्कुलर पाथ दिखाता है वेलोसिटी ऑफ कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड सो मतलब एक ही वेलोसिटी के साथ वो रोटेट हो रहा है ठीक है सो स्टोनर वेलोसिटी ऑफ कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड सो बिफोर दर्ड इज रिलीज द स्टोन मूव इन अर्कुलर पाथ विद सर्टेन स्पीड एंड चेंजेस डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट सो जब तक आप धागा फेंकते नहीं हो आप धागा फेंकते नहीं हो जो स्टोन है वो सर्कुलर पाथ में घूमता रहता है एक स्पीड के साथ और एक एक पॉइंट पे वो डायरेक्शन बदलता रहता है द चेंज इन डायरेक्शन इन्वॉल्व चेंज इन वेलोसिटी और एसेलरेशन ठीक है सो so डायरेक्शन बदलती है सो so उसमें वेलोसिटी भी बदलती है एसेलरेशन भी बदलती है फोर्स दैट कॉसिज दिस एसिलेशन एंड कीप्स द बॉडी मूविंग अलॉन्ग द सर्कुलर पाथ इज एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स सो जो फोर्स जो ये एक्सिलरेशन लगाता है द फोर्स दैट कॉसिशन एंड कीप्स द बॉडी मूविंग और बॉडी को मूव कराता है अलॉन्ग द सर्कुलर पाथ सो बॉडी मूव करती है सर्कुलर पाथ पे उसे मतलब वो सेंटर पे एक्ट करता है उसे सेंट्रीबिटल फोर्स कहते हैं सो सेंट्रीबिटल फोर्स क्या होता है जो एक्सलरेशन करता है एक्सिलेशन मतलब मूविंग कराता है बॉडी को कीप्स द बॉडी मूविंग सर्कुलर पाथ में जो मूव करा रहा है बॉडी को वो uh, वो सेंटर पे एक्ट करता है वो फोर्स कहाँ एक्ट करता है सेंटर पे और इस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं वंस अगेन फिर से फोर्स जो कि ये एसेलरेशन करा रहा है कौन सी एसेलरेशन ये जो गोल गोल घूम रही है बॉडी सो एसेलेशन करा रहा है और बॉडी को मूव करा रहा है सर्क्यूलर पाथ मार्क माई वर्ड्स सर्क्यूलर पाथ सो वो सर्क्यूलर पाथ एंड एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर और ये फोर्स कहां एक्ट कर रहा है सेंटर पे एक्ट कर रहा है सो दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स ठीक है सेंट्रीपिटल सेंटर सीकिंग फोर्स आप जो भी बोलो ठीक है एसिडेशन कॉज करता है बॉडी को मूव करता है सर्कुलर पाथ पे सेंटर पे एक्ट करता है इसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं सो इन द एबसेंस ऑफ दिस तो सपोज ये सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होता मतलब ये सेंटर पे लगने वाला फोर्स नहीं होता सो so, क्या होता है स्टोन फ्लाईस ऑफ अलोंग द स्ट्रेट लाइन दिस स्ट्रेट लाइन विल बी टेंजेंट टू सर्कुलर पाथ तो स्टोन एकदम सीधा निकल जाता ठीक है स्ट्रेट लाइन पे फ्लाई हो जाता सो so, किस तरह से लगता इस तरह से फोर्स लगता ठीक है दिस स्ट्रेट लाइन विल बी टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ ठीक है सो अगर इन एबसेंस ऑफ सेंट्रीमिटर फोर्स स्टोन स्टोन जो है स्ट्रेट फ्लाई ऑफ हो जाता ठीक है सो द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू सेंट्रीबिटल फोर्स तो यही सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण जो है मून फोर्स मतलब नहीं तो मून भी उड़ जाता अगर सेंट्रीबिटल फोर्स नहीं होता तो मून भी गायब हो जाता जैसे हम स्टोन का एग्जाम्पल दे रहे थे भाई स्टोन सीधा निकल जाता तो इसी तरह से सेंट्रिपिटल फोर्स है तो जो मून है मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू सेंट्रिपिटल फोर्स द सेंट्रिपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ सो सेंट्रिपिटल फोर्स कैसे होता है सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ सो सेंट्रिपिटल फोर्स कैसे मिलता है अर्थ के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इफ देयर वर नो सच फोर्स द मून वुड परस्यू अ यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन अगर ऐसा कोई फोर्स नहीं होता सपोज सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होता तो मून क्या होता यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन सीधा 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 चला जाता ठीक है सर्कुलर पाथ पे नहीं जाता मतलब सेंट्रीप्यूटल फोर्स क्यों जरूरी है सेंट्रीप्यूटल फोर्स जरूरी है मून का मोशन कराने के लिए अर्थ के इर्द गिर्द ठीक है सेंट्रीप्यूटल फोर्स ही है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब अर्थ और मून के बीच में होता है फोर्स नहीं होता तो मून क्या होता यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन कराता ठीक है सो इट इज सीन दैट अ फॉलिंग एप्पल इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अर्थ सो आपने देखा कि आगे जैसे न्यूटन ने देखा कि भाई एप्पल गिरता है तो अर्थ अट्रैक्ट करता है तो क्या एप्पल अट्रैक्ट करता है अर्थ को अगर करता है तो हम नहीं देखते कि अर्थ एप्पल की तरफ जाता है एप्पल अर्थ की तरफ आता है अर्थ खड़ा होकर एप्पल की तरफ नहीं चला जाता है क्यों सो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन द एप्पल डज नॉट अट्रैक्ट द अर्थ मतलब अर्थ अट्रैक्ट करती है एप्पल को पर थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से एप्पल अट्रैक्ट नहीं करता अर्थ को uh, बट अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फॉर अ गिवन फोर्स एसेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ ऑब्जेक्ट पर अगर आप सेकेंड लॉ ऑफ मोशन देखो आपने ये लॉज ऑफ मोशन पढ़े थे सो थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से एप्पल द अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ द एपल ड्रैक्ट द अर्थ एप्पल करता है अट्रेक्ट अर्थ को ठीक है सो एप्पल अट्रेक्ट द अर्थ मतलब एप्पल अट्रैक्ट करता है अर्थ को क्योंकि थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो ऐसे ही बोलता है ना एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट मतलब अगर आप किसी कोई एक्शन दिखाओगे तो रिएक्शन होगा सो so, अगर अर्थ अट्रैक्ट कर रही है एप्पल को तो ऑब्वियसली एप्पल भी तो अट्रैक्ट करेगा ना अर्थ को सो हाथ थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से एप्पल करता है अर्थ को अट्रैक्ट पर क्यों मतलब अर्थ क्यों नहीं चला जाता है एप्पल के पास ऊपर सो रीजन क्या है बट अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन सो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भी हमने पढ़ा था तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से हमने पढ़ा था कि जो फोर्स है फॉर अ गिवन फोर्स जो एक्सिलेशन है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो फॉर अ गिवन फोर्स एसिलरेशन एसेलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द मास ऑफ ऑब्जेक्ट एसिलरेशन जो है मास ऑफ ऑब्जेक्ट से इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है एसेलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ठीक है सो इस तरह से द मास ऑफ एन एप्पल इज नेग्लिजिबल स्मॉल कंपेयर टू दैट ऑफ अर्थ ठीक है सो so, जो एप्पल का मास है वो बहुत ज्यादा कम होता है अर्थ के कंपेयर में सो वी डू नॉट सी द अर्थ मूविंग टुवर्ड्स द एप्पल इसलिए हम नहीं देख पाते कि अर्थ एप्पल की तरफ जाता है यही आर्ग्यूमेंट आपको एक्सटेंड करनी है फॉर वाय द अर्थ डज नॉट मूव टूवर्ड्स द मून सो वही अर्थ क्यों नहीं मूव के गिर चक्कर लगाता है ये आर्ग्यूमेंट आपको आगे बढ़ानी है ठीक है सो क्या कारण है पहले तो यस एप्पल अट्रैक्ट करता है अर्थ को पर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से एसेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के पर आपको पता है एप्पल का तो मास बिल्कुल कम है मतलब एप्पल बिल्कुल कम है सो तो एप्पल का मास कम है अर्थ से सो तो अर्थ इसलिए एप्पल की तरफ नहीं जाती है ठीक है सो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इसलिए एप्पल तो मतलब अर्थ एप्पल की तरफ नहीं जाती ठीक है मास ऑफ एन एप्पल इज नगलिजिबली स्मॉल कंपेयर टू दैट ऑफ अर्थ सो वी डू नॉट सी द दर्थ मूविंग टूवर्ड्स द एप्पल सो इन आवर सोलर सिस्टम हमारे सोलर सिस्टम में ऑल द प्लान गो अराउंड द सन हमारे जो सोलर सिस्टम है उसमें सारे प्लानिट्स जो है सन के चक्कर काटते हैं बाय आर्ग्यूइंग द सेम वे वी कैन सेट देर एग्जिस्ट अ फोर्स बिटवीन सन एंड प्लानिट्स पर अगर आप आगे आर्ग्यू करते हो तो आपको पता लगेगा कि एक फोर्स है सन और प्लैनेट्स के बीच में सो सोलार सिस्टम में क्या होता है सारे प्लैनेट्स सन uh, के इर्द गिर्द चक्कर काटते हैं सो so, हम बोल सकते हैं कि एक फोर्स होता है ऑब्वियसली अगर वो उसके इर्दगिद चक्कर काट रहे हैं सोलर सिस्टम में ऑल प्लैनेट्स गो अराउंड द सन सो देयर एग्जिस्ट अ फोर्स बिटवीन सन एंड द प्लैनेट्स सन और प्लैनेट्स के बीच में कोई फोर्स होता है सो so न्यूटन ने क्या कंक्लूड किया कि दैट नॉट ओनली अर्थ अट्रैक्ट एन एप्पल एंड द मून बट आल्सो ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर उसने क्या कंक्लूड किया कि आ, भाई अर्थ ही से अट्रैक्ट नहीं करता है एप्पल को मतलब क्या आप अर्थ अट्रैक्ट एन एप्पल एंड बट ऑल ऑब्जेक्ट्स खाली अर्थ नहीं ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर इस यूनिवर्स का हर ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूटन ने क्या बोलानेशन ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर यूनिवर्स का हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स जब ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स इससे पहले क्या आया था सेंट्रीपीटल फोर्स सेंट्रीपीटल फोर्स क्या था तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमने यहाँ आगे पढ़ा था जो चैप्टर चालू हुआ था पेज वन थर्टी वन पे द फोर्सिस एक्सिलेशन की बॉडी मूविंग अलॉन्ग सर्कुलर पार्ट एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर वो फोर्स जो एक्सिलेशन कराता है और बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव कराता है वो सेंटर की तरफ लगता है बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव कराने वाला फोर्स जो सेंटर की तरफ लगता है उसे हम कहते हैं सेंट्रीपीटल फोर्स मतलब वो सेंटर की तरफ लगता है और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स है सब ऑब्जेक्ट्स पे लगने वा, वाला फोर्स ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स ठीक है सो so नेक्स्ट है हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सो so यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट

यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है यूनिवर्सल मतलब पूरे यूनिवर्स के लिए ग्रेविटेशन का नियम क्या है नियम एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद द फोर्स विच इज प्रपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासिस एंड इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दम द फोर्स इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स ठीक है सो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स इस यूनिवर्स का हर ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करता है एवरी अदर ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स का हर ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करता है हर दूसरे ऑब्जेक्ट को विद अ फोर्स एक फोर्स के साथ विच इज प्रोपोर्शनल एक फोर्स के साथ विच इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासिस जो कि प्रपोर्शन है उनके मासिस uh, के प्रोडक्ट मतलब एम वन एम टू इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम और इन्वर्सली प्रपोर्शन है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम द फोर्स इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू ऑब्जेक्ट फोर्स कहाँ लगता है अलोंग द लाइन उस लाइन के अलोंग लगता है जो कि ज्वाइन करती है उनके सेंटर ठीक है फिर से यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन क्या है सल यूनिवर्स का हर ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करता है हर दूसरे ऑब्जेक्ट को एक फोर्स के साथ जो कि प्रोपोर्शनल है मासिस के प्रोडक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम सो द फोर्स इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स फोर्स कहाँ लगता है लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स ठीक है सो ये है एक ऑब्जेक्ट ये है दूसरा ऑब्जेक्ट ये सेंटर है ठीक है सो so, ये डिस्टेंस है डी सो फोर्स एफ इज जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर ठीक है द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टेड अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स सो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दो यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स के बीच ये एक ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टेड अलोंग लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स मतलब जो कहाँ लगता है जो लाइन सेंटर्स को जो लाइन ज्वाइन करती है वहां लगता है ठीक है फिर से स्टेटमेंट अच्छे से याद कर लें स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आता है हर ऑब्जेक्ट यूनिवर्स का अट्रैक्ट करता है हर दूसरे ऑब्जेक्ट को विद अ फोर्स एक फोर्स के साथ जो कि प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासिस मतलब उन उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के प्रोडक्ट मासस का प्रोडक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम और इनवर्सली है दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर ठीक है सो so, ये हैं दो ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ये ऑब्जेक्ट वन है ऑब्जेक्ट टू है और ये है डिस्टेंस ठीक है सो लेट टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी ऑफ मासेस एम एंड एम लाइ एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम ईच अदर सपोज दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये एक ऑब्जेक्ट ए है ये ऑब्जेक्ट बी है ठीक है सो so, मास क्या है बड़े ये जो ए ऑब्जेक्ट है उसका मास है कैपिटल एम और स्मॉल ऑब्जेक्ट है उसका ओ, उसका मास है स्मॉल एम लाई एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम ईच अदर सो ये जो है डी डिस्टेंस पे है ठीक है कैपिटल एम और स्मॉल एम सो दोनों किस, कितने डिस्टेंस पे है डी डिस्टेंस पे है सो लेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा मैं यहाँ जो जो टिक करा हुआ है ये ऐसे आता है ठीक है क्या आता है क्वेश्चन आता है स्टेट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपने स्टेटमेंट लिख दिया फिर आता है प्रूव प्रूव एफ इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर ऐसे क्वेश्चन आता है कि प्रूव करो मतलब ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला प्रूव करो तो प्रूव करने के लिए पहले आपको ये डायग्राम बनाना पड़ता है एक बड़ा ऑब्जेक्ट ए छोटा ऑब्जेक्ट बी सेंटर बनाना पड़ता है ये लाइन और दोनों के बीच का डिस्टेंस है डी सो फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर ठीक है द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स तो ये दो यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स है इज डायरेक्टेड अलॉन्ग द लाइन सो ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स सो लेट टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी ऑफ मासस एम एंड एम लाई एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम ईच अदर सो so, दो ऑब्जेक्ट्स हैं ए एंड बी और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है डी लेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स बी एफ सो दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है एफ सो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासिस द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस ठीक है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का फोर्स दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का फोर्स द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम एम ठीक है एंड द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम सो so फोर्स uh, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ठीक है फिर हम क्या करेंगे कंबाइन कर देंगे दोनों इक्वेशंस को फिर एम एम अपॉन डी स्क्वायर और यहाँ प्रोपोर्शन हटा के इक्वल टू जी लिख देंगे ठीक है सो ये मैं प्रूफ करना आपको सिखा देती हूँ स्टेटमेंट तो आप लिख लेना कि स्टेट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन प्रूफ करना हम सीखते हैं सो so, बच्चों स्टेटमेंट लिखने के बाद यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को प्रूव करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं करा रही हूं आपको लिख के सो so, यहाँ देखो सबसे पहले हम दो फिगर बना लेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिखा मतलब ऑब्वियसली हमें प्रूव करना है तो डायग्राम तो दिखाना पड़ेगा सो so, दो डायग्राम्स बना लेंगे हम ठीक है सो so, ये हमने दो डायग्राम्स बनाए सो so, इसका सेंटर है और ये इसका सेंटर है ठीक है सो so, ये ए ऑब्जेक्ट है और ये है बी ऑब्जेक्ट ठीक है सो ये दोनों के सेंटर ज्वाइन हो रहे हैं सो so, ये ये ठीक so, है सो ये डी है ठीक है सो यहाँ पे अभी हम प्रूफ करते हैं डायग्राम जरूर बनाना है ठीक है और स्टेटमेंट तो जरूर ही लिखना है सो प्रूफ लेट टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी ऑफ मासस मतलब दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है दो ऑब्जेक्ट्स हैं ए एंड बी ठीक है टू ऑब्जेक्ट ऑफ मासिस एम एंड एम ठीक है सो दो ऑब्जेक्ट हैं तो ऑब्वियसली दोनों का मास अलग होगा इसका मास अलग होगा इसका मास है m और इसका मास है m स्मॉल m ठीक है सो ऑफ मास एट अस एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम ईच अदर सो डी फ्रॉम ईच अदर ठीक है सो दोनों के बीच का डिस्टेंस d है ठीक है so, सो लेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिट्वीन द ऑब्जेक्ट इस यहां आप क्या कर रहे हो क्योंकि आपको प्रूव करना है यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन सो so, उसका फॉर्मूला क्या है एफ इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर तो पहले आपको ये सब चीजें बतानी पड़ेंगी कि हैं ये चीजें तो आपने पहले भाई एम एम बता दिया भाई एम एम है मास मास है फिर आपने फोर्स बता दिया भाई दोनों के बीच का फोर्स है फिर डिस्टेंस मतलब ये सब ऑब्वियसली आपको जब इक्वेशन डिराइव करनी है तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए सो लेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इज एफ ठीक है सो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अभी अभी आपने स्टेटमेंट पढ़ा अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से क्या है द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस ठीक है सो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का फोर्स द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस ठीक है सो देर फोर हैपोर्शनल टू एम एम ठीक है सो इसको वन दे देंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल आपने जो स्टेटमेंट पढ़ा था ना मैंने आपको कहा था स्टेटमेंट आप श्योर बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आपको वो आपकी नोटबुक में लिखना है इसके पहले ठीक है सो स्टेटमेंट क्या है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का कि भाई हर ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करता है फोर्स है और प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज है इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम है द फोर्स इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स ठीक है सो एफ इज प्रपोर्शनल टू एम एम ठीक है अच्छा सो द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन डैम इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द स्क्र ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीकोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच का फोर्स इनवर्सली प्रपोर्शनल है दो ऑब्जेक्ट के बीच का फोर्स है इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम ठीक है सो देअर फोर एफ इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू वन अपॉन डी स्क्वायर ठीक है एफ इनवर्सली प्रपोर्शनल है ये हमारा जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का स्टेटमेंट है उसके हिसाब से सो कम्बाइनिंग इक्वेशन वन एंड टू इक्वेशन वन एंड टू को मिला देंगे सो so, देखो एफ भी प्रपोर्शनल है एमएम mm के एफ प्रपोर्शनल है वन अपॉन डी स्क्वायर सो ऑटोमेटिक एफ किसके प्रपोर्शनल होगा एम एम अपॉन डी स्क्वायर सो कंबाइनिंग इक्वेशन एंड टू सो कंबाइनिंगवेशन वन एंड टू वन एंड टू इक्वेशन को कंबाइन करेंगे सो एफ इज प्रपोर्शनल टू एम एम अपॉन डी स्क्वायर ठीक है एफ किसके प्रपोर्शनल है एमएम अपॉन डी स्क्वायर सो और आपने कंबाइन किया ना दोनों इक्वेश को अब देखो या, कभी भी प्रोपोर्शनल होता है ना तो प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए इक्वल टू और एक कांस्टेंट लगता है ये याद रखना ये जो प्रोपोर्शनल की साइन है कभी भी हटानी हो तो इक्वल टू और एक कांस्टेंट लगता है सो देयर फोर एफ इज इक्वल टू हम प्रपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट क्या लेंगे जी सो प्रपोर्शनल हटाया उसकी जगह इज इक्वल टू जी लगाया सो एम एम अपॉन डी स्क्वायर ठीक है सो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा कि भाई जी कहाँ से आया तो आप क्या लिखोगे कि जी इज द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रपोर्शनैलिटी जी क्या है वेयर जी इज द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रपोर्शनैलिटी ठीक है जी है कॉन्स्टेंट ऑफ प्रपोर्शनैलिटी एंड इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट और इसको क्या कहते हैं जी को एंड इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशन ठीक है जी क्या है जी है कॉन्स्टेंट ऑफ प्रपोर्शनैलिटी का कॉन्स्टेंट और इसे कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट जी ठीक है सो so, ये ही तो आपको चाहिए था दिस इज द फॉर्मूला ठीक है सो ये आ, मतलब ये आपकी इक्वेशन है ये आपको क्या दे रही है ये इक्वेशन आपको आगे सम्स में काम आएगी ठीक है सो जस्ट रिमेंबर इट हम एक बार फिर से देख लेते हैं दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट प्रूव यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एफ इज इक्वल टू और ऐसे भी आ सकते है और प्रूव एफ इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर ठीक है सो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है सो so ये इस तरह से है ये ए ये बी है डी बीच में डिस्टेंस है कैपिटल एम स्मॉल एम सो इस तरह से है ठीक है सो प्रूफ क्या करेंगे लेट टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी ऑफ मासिज कैपिटल एम स्मॉल एम बी एट अ डिस्टेंस डी डी फ्रॉम ईच अदर लेट द फोर्स ऑफ अट्रेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट इज एफ अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉफ ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन प्रोडक्ट ऑफ दियर मासिस फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वास कम्बाइन कर दो एंड यू गॉट योर आंसर ठीक है सो यही है आपकी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की इक्वेशन सो so, ये फोर्स की भी इक्वेशन है दिस इज द इक्वेशन ऑफ फोर्स ठीक है फोर्स फाइंड करना हो फोर्स फाइंड करना हो दो ऑब्जेक्ट्स का मास दिया है उनके बीच का डिस्टेंस दिया है ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट तो आपको मैं बताऊंगी क्या होता है कॉन्स्टेंट है तो इसकी एक वैल्यू होगी यहाँ पे क्या दिया हुआ है जी इज द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रपोर्शनैलिटी जी कॉन्स्टेंट ऑफ प्रपोर्शनैलिटी दिया हुआ है तो कॉन्स्टेंट है तो जरूर इसकी कोई वैल्यू होगी तो क्या है इसकी वैल्यू हम देखते हैं आगे सो so, हम देख रहे हैं अभी पेज नंबर आप ये हमने प्रूव कर दिया अब हम पेज वन थर्टी फोर पे आ जाते हैं आपके एन सी ई आर टी के सो पेज वन थर्टी फोर एन सी आर टी पे हमें लिखा हुआ है जी का वैल्यू सो वॉट इज द वैल्यू ऑफ जी द एस आई यूनिट ऑफ जी कैन बी ऑप्टेंड सो so, जो जी वैल्यू है तो ये वैल्यू ऑफ जी किसने फाइंड की थी सो वैल्यू ऑफ जी वॉज फाउंड आउट बाय हेनरी कैवेंडिश ये वन मार्क का क्वेश्चन है कि हु फाउंड द वैल्यू ऑफ वैल्यू जी फाउंड द वैल्यू ऑफ जी या तो वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट या uh, कॉन्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ऐसे करके भाई वैल्यू ऑफ जी किसने फाइंड की थी सो हैनरी कैवेंडिश किसने फाइंड की थी हेनरी कैवेंडिश ये वन मार्क क्वेश्चन है हैनरी कैंडिश ये उनकी मतलब खैर ये काम का नहीं है सो so, ये आपकी फिर जी की वैल्यू क्या है क्या वैल्यू फाइंड की थी उन्होंने सो so, द वैल्यू ऑफ जी इज सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन थ्री मल्टीप्लाई टेन इज टू माइनस इलेवन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर सो वैल्यू ऑफ जी इज जी की वैल्यू क्या फाइंड की थी हेनरी कैवेंडिश ने सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन थ्री इंटू टेन एस टू माइनस इलेवन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर ये के जी के ऊपर माइनस टू दिया हुआ है मतलब ये डिवाइड में है अपॉन किलोग्राम स्क्वायर ठीक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वन वन मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से सो आप सोचोगे कि ये जी तो ठीक है वैल्यू तो हेनरी कैवेंडिश ने सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन थ्री इंटू टेन एस टू माइनस इलेवन फाइन की होगी ठीक है हम समझे पर आप सोच रहे होगे कि इसका यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर कैसे है ठीक है so, सो ये भी एग्जाम में वन मार्क का क्वेश्चन आता है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ जी सो द एसआई यूनिट ऑफ जी इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर ठीक है सो ये जी की एसआई यूनिट आई कैसे सो so, देखो मैं आपको बताती हूँ आपको आज मैंने जितना भी टिक कराया है एक एक चीज बहुत अच्छे से लिखनी है मैंने आपको खाली प्रूव करने वाला मैंने मैंने फिर से प्रूव कराया आपको एक एक चीज सब जितनी भी टिक कराई है एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपको हर पॉइंट अच्छे से लिखनी है अच्छा सो मैं यहाँ एंड करती हूँ पेज नंबर वन पे सो आपको वन तक सारा पढ़ना है चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वन वन से एंड मैं आपको पहले तो जी के बारे में बता रही थी कि भाई जी कैसे हुआ सो देखो यहाँ आप ये मैंने ये वैल्यू ये देखो F इक्वल टू जी एम एम अपन डी स्क्वायर फाइंड किया ये आ, क्या है ये हमने इक्वेशन डिराइव की किसकी फोर्स की ग्रेविटेशनल फोर्स की इक्वेशन डिराइव की ठीक है सो यहाँ हमारा ये क्वेश्चन पूरा होता है अच्छा अब जी जो है जी की वैल्यू कैसे फाइंड की होगी हमने देखा कि हेनरी कैवेंडिश ने फाइंड की तो कैसे फाइंड की होगी जी की वैल्यू तो देखो उसने क्या देखो जब भी भी आप मैक्स जब भी मैक्स भी करते हो तो आप क्या करते हो जो आपको फाइंड करना है उसको अकेला बनाते हो उसको सेपरेट कर देते हो सो so, जैसे यहां इन्होंने जी की वैल्यू फाइंड की होगी सपोज जी की वैल्यू फाइंड की होगी तो जी को क्या किया होगा उन्होंने अकेला बनाया होगा जी को अकेला कर दिया होगा सो so, ये जो डी स्क्वायर है अपॉन में उसको ऊपर ले गए होंगे और ये जो एम एम है जो साथ में उसको नीचे ले आए होंगे ठीक है सो देयर फोर एफ डी स्क्वायर ऊपर ले गए एफ डी स्क्वायर ठीक है सो ये डी स्क्वायर ऊपर गया और ये जो एम mm एम साथ में है वो कहाँ आएगा वो नीचे आएगा ठीक है सो डी स्क्वायर ऊपर गया एम mm एम आया नीचे सो इज इक्वल टू जी ठीक है सो देअर फोर जी इज इक्वल टू एफ डी स्क्वायर अपॉन एम एम ठीक है एफ इज जी इज इक्वल टू एफ डी स्क्वायर अपॉन एम एम ठीक है सो so, इस तरह से ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड की होगी अच्छा अब बताओ फोर्स यूनित, यूनित। so, की अभी यूनिट ऐसा यूनिट सो ऐसा यूनिट इसकी क्या होगी मतलब जैसे ऐसा यूनिट ऑफ क्लोथ क्या होती है मीटर होती है ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होती है मीटर होती है किलोमीटर ठीक है सो so, इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी सो so, ऐसा यूनिट की जो देखो फोर्स की यूनिट क्या होती है फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर मैंने अभी अभी बोला मीटर होती है किलोमीटर नहीं मीटर सो ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर पर ये कितनी बार मीटर स्क्वायर ठीक है so, फिर ये क्या है अपॉन सो अपॉन ऐसा यूनिट ऑफ मास मास की क्या होती है के जी स्मॉल मास उसकी भी के जी मास की ऐसा यूनिट के जी होती है तो के जी इंटू के जी क्या होगा के जी स्क्वायर ठीक है अगर आपको हमने पावर इन एक्सपोनेंट में पढ़ा था अगर पावर नीचे ऊपर ले जाना है तो क्या हो जाएगी माइनस सो और न्यूटन मीटर स्क्वायर ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा के जी माइनस टू ठीक है सो दिस इज एस आई यूनिट ऑफ जी ठीक है अच्छा इसकी वैल्यू क्या फाइंड की थी बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी वैल्यू आनी चाहिए सो वैल्यू ऑफ जी हेनरी कैवेंडिश ने फाइंड की थी सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन थ्री टूडेक्स so, हम so, आज हमने जो इंपॉर्टेंट चीजें थी इस लेक्चर की ऑब्वियसली वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट था और डेरीवेशन था स्टेटमेंट था सो so, जस्ट सी टू दैम घड़ी घड़ी प्रैक्टिस करें लिख लिख के प्रैक्टिस करें और मेरे लिए तो आपको एक ही बार लिखना है जो मुझे भेजना है व्हाट्सएप बट जस्ट प्रैक्टिस दैम प्रॉपरली ठीक है सो दिस इज मी और ऋषि का मैम जस्ट रिक्वेस्टिंग यू दिस इज रियली वेरी इजी चैप्टर फोकस करें काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं मजा आएगा करने में थैंक यू